अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम जुहेब है, रियल उस्ताद से। इस टाइम के ऊपर मैं जाना चाह रहा हूँ DHA फेज़ 1, DHA के हेड ऑफिस। वैसे तो DHA के हेड ऑफिस हमारा आना जाना लगता रहता है, कभी ट्रांसफ़र्स होती हैं, कभी कोई पैसे जमा कराने होते हैं, कभी कोई किस्तें जमा करानी होती हैं, मगर आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। आज DHA की सोशल मीडिया टीम ने हमें इन्वाइट किया है और कुछ मैटर्स हमारे साथ जो हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जो मीटिंग्स हैं वो तो मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बट इवेंचुअली हमारी कोशिश यही होगी कि हम आप लोगों के लिए DHA से बात करें। जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं आप लोगों को DHA से रिलेटेड फेस करने पड़ रहे हैं, एंड DHA इज़ काइंड इनफ कि वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स को हमारी तरह या और भी सोशल इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं जो DHA के ऊपर वर्किंग करते हैं, और उनके साथ देखते हैं आज क्या मामलात होते हैं। इंशाल्लाह मैं मीटिंग बुकाता हूँ, फिर उसके बाद आपको फर्दर इसके हवाले से अपडेट करते हैं। साथ भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह आगे। साथ भाई कहाँ से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हम DHA से आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स DHA फेज 4। तो साथ भाई आज आपको DHA ने बुलाया हुआ था, DHA की जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने आपको इन्वाइट किया हुआ था, और आपके साथ कुछ मुतादद और भी यूट्यूबर्स को इन्वाइट किया हुआ था। क्या एजेंडा था मीटिंग का आज? देखिए, आज की मीटिंग का एजेंडा ये था कि DHA बहुत मेहनत कर रहा है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और वो सिर्फ ये चाहता है कि क्योंकि YouTube एक बड़ी आवाज़ इस टाइम के ऊपर बन चुका है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको दुनिया देख रही है और उससे डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रही है, तो DHA की ये उम्मीद थी हमसे कि हम और आपको बेहतर दिखा सकें, वो मेहनत दिखा सकें जो कि फाइनली आफ्टर ऑल दीज ईयर्स DHA अब कर रहा है। सिर्फ हम नहीं, DHA ने मुतादद और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया हुआ था जो कि DHA के ऊपर स्पेसिफिकली काम करते हैं, और उनके साथ मीट एंड ग्रीट थी, उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई। साथ भाई थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं कि लोगों के हवाले से कोई बातचीत इसके अंदर हुई या नहीं, क्योंकि DHA जहाँ बहुत अच्छा भी है वहाँ थोड़े बहुत मसले मसाइल भी हैं, उसके अंदर लोग उससे अफेक्टेड हैं, और हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन चीज़ों को जो है वो कवर भी करते हुए आए हैं, तो क्या लोगों के हवाले से भी कोई बात हुई या नहीं? लेकिन DHA ने इसके ऊपर बहुत ओवरऑल और फ्रूटफुल डिस्कशन की, यहाँ पे हमें एफेक्टिव के ऊपर भी बात हुई, DHA फेज 4 की, DHA विल गेट बैक टू अस ऑन दैट, DHA वैली के ऊपर भी बात हुई, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी गौर फिक्र किया कि DHA को अब टाइम लाइन्स दे देनी चाहिए अपने एंड यूजर्स को, वो लोग जो DHA के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फंसे हुए थे, और वो तमाम लोग जो कि नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने हुए हैं, तो दे वर वर्किंग ऑन दैट एज वेल। उसके अलावा जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई उसके ऊपर भी बात हुई, यानी DHA के ऊपर जो भी हॉस्पिटल्स जो छोटे छोटे बन रहे हैं इसके अंदर, मैं उनको हॉस्पिटल्स तो नहीं कहूँगा लेकिन मेडिकल केयर सेंटर्स कहूँगा जो DHA में बन रहे हैं, या उसके अलावा DHA इज़ वर्किंग ऑन पार्क्स जिसके अंदर हम मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज़ को उसके ऊपर लैक करते हुए देखते हैं, DHA इज़ वर्किंग ऑन सिक्योरिटी प्रोविजन, DHA इज़ वर्किंग ऑन अम्यूनिटीज प्रोविजन, सो बहुत सारी चीज़ें कनेक्टिविटी के ऊपर DHA बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने पिछले एक साल में अगर मैं DHA की बात करूँ तो DHA ने बेशुमार नई चीज़ें बनाई हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं एक साल के अंदर अंदर की बात करूँगा तो DHA ने कम्प्लीट किया है DHA वैली के अंदर ब्लू बेल और B3 कवरेज, उसके अलावा कम्प्लीट किया है DHA ने जो DHA फेज 4 और बैरिया टाउन के बीच में ब्रिज है अमलतास रोड, एक नई सड़क हमने पिछले कुछ टाइम में ही आती भी देखी है जो कि DHA 1 से, आई वुड से DHA फेज 1 का बाईपास रूट है। उसके अलावा अगर DHA फेज 5 को देखूँ तो DHA फेज 5 के अंदर इतनी चेंजेस आई हैं पिछले एक साल के अंदर, पूरा रिवैम्प किया इंटरचेंज बनाया है उन्होंने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर जो इंटरचेंज एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए बन रहा था, उसके अलावा पूरा DHA फेज 5 रिवैम्प हुआ है, एक 6,000 to 7,000 स्टूडेंट्स का स्कूल बन चुका है वहाँ पे, तो बहुत सारी चेंजेस DHA लेकर आ रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। मेरा ये ख्याल है कि DHA काफ़ी अच्छा कर सकेगा आने वाले वक्त के अंदर, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं या जो काम अच्छा कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते चले। साथ भाई आप मुझे ये बताएं कि DHA का काम आप कर कितने अरसे से रहे हैं? देखिए मुझे तकरीबन, मैं 2013 में जुहैब भाई स्टार्ट किया था DHA का काम, तो इससे पहले भी कभी DHA की मीडिया टीम ने आपको बुलाया या ये पहली दफा हुआ है? मैं पहली, उससे पहले इतना बड़ा आदमी था ही नहीं कि मुझे कोई बुलाए। तो आपको बड़ा आदमी किसने बनाया? मेरा अल्लाह ने बनाया बड़ा आदमी, मेहनत आपकी होती है, और डेफिनेटली यूट्यूब वॉज अ चैनल के जिसके ऊपर आप अच्छा पोर्ट्रे कर सकें। ठीक है, तो देखें ये चीज समझना, और ये मैं सवाल जो मैंने साथ भाई से किया सिर्फ रियल्टर्स के लिए किया है, रियल्टर्स को जो है वो मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया की जो स्ट्रेंथ है उसको आप यूटिलाइज करें। स्पेसिफिकली अगर आप रियल स्टेट का काम करते हैं
सोशल मीडिया को आप मुतादिद और भी बहुत सारी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लोग गाड़ियाँ बेचने के लिए उसको करते हैं, ज्वेलरी बेचने के लिए करते हैं, कपड़े बेचने के लिए करते हैं। तो उसी तरीके से रियल स्टेट में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो वो तमाम रियल्टर्स जो कि यंग हैं या उनको इस डिफ़िकल्ट टाइम पे, क्योंकि ये मुश्किल टाइम है रियल स्टेट के ऊपर, टैक्सेस हैं और इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं हैं, तो उसमें लोग परेशान होते हैं। तो हमारी तरफ से आप लोगों को ये सजेशन है कि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और कोशिश करें कि जो चीज़ हकीकत है और रियलिटी से करीब है उसको दिखाने की कोशिश करें। आपको ना इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा होगा, कारोबार में भी, क्लाइंट बेस में भी, और इज्जत भी मिलेगी। देखें, यूट्यूब इज़ अ पावर, DHA जैसी बड़ी एंटिटी को भी ये पता चल गया है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो बहुत सारी तब्दीली लेके आ सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वही बनता है जो किसी ड्रामे से या किसी और काम से नहीं बना। अगर आप रियल इस्टेट के यूट्यूबर हैं तो आप रियल इस्टेट को ही अच्छा पोर्ट्रे कर सकते हैं। अगर आप किसी टिकटॉक के यानी टिकटॉकर हैं तो आप टिकटॉक का ही काम अच्छा कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई नॉर्मल यूट्यूब के ऊपर किसी को रोस्टिंग करते हैं तो आपका वही काम अच्छा है। रियल इस्टेट यूट्यूबिंग इज अ फ्यूचर और अब इसके ऊपर काम हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, एंड आई बिलीव के DHA ने बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर अच्छे यूट्यूबर्स को पिक कर लिया है इसके अंदर, और इसको इससे DHA को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह DHA को भी फ़ायदा होगा। आप तमाम लोग जो क्लाइंट्स हैं, हम जब DHA के मीडिया टीम्स के साथ अटैच होंगे तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी और हम इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से ब्रीफ कर सकेंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ? बस हम उम्मीद करते हैं कि DHA की वीडियोस में आपको फ़ायदा हो और DHA की इन्वेस्टमेंट से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें, सलाम अलैकुम।